subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MGT 501 की। इसकी जो हमारे पास ड्यू डेट है वो 17 मई 2023 है। इसके 10 मार्क्स हैं। असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो HR प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे हमें एक सिनेरियो गिवन है। सिनेरियो के अंदर हमें बताया गया है कि जो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है हमारे पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। HR मैनेजर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ब्रांड मैनेजर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फाइनेंस मैनेजर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। मार्केटिंग मैनेजर के अंदर हम ये सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर, HR मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर हैं, इन दोनों को अगर हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से पोस्टिंग करें कि तो लाइन मैनेजर होंगे या स्टाफ मैनेजर होंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजर का हमने बताना है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर है वो अपनी ड्यूटीज़ के हिसाब से लाइन मैनेजर है या स्टाफ मैनेजर है, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। उसका आंसर लिखना है 1 इन दोनों में से एक सेलेक्ट करके और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। सेम इसी तरह से HR मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इस फॉर्म में हमने इसके असाइनमेंट के सोल्यूशन को कम्प्लीट करना है और इसके टेबल को यहाँ पे ऐसे फिल करना है। अब इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MGT 501 असाइनमेंट नंबर 1 है। ड्यू डेट 17 मई है। HR प्रोफेशनल जिसका टॉपिक था। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, HR मैनेजर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसकी सॉल्यूशन फाइल में स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो हमारे पास होता है वो स्टाफ मैनेजर होता है, जो कि बिग बॉस होता है एक तरह से, जो कि मेजर लाइन मैनेजर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उन्होंने आगे लाइन मैनेजर्स को देनी होती है, वो इस तरह से कंक्लूड करते हैं। जस्टिफिकेशन आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, नहीं तो सब लोगों को कॉपी पेस्ट हो जाता है। HR मैनेजर स्टाफ मैनेजर होता है, ठीक है। स्टाफ मैनेजर्स की ड्यूटी यही होती है कि उसने भी मेजर जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह इस तरह के सारे काम करने होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड मैनेजर है। ब्रांड मैनेजर में लाइन मैनेजर हमारे पास आ जाते हैं। फाइनेंस मैनेजर में लाइन मैनेजर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजर में भी लाइन मैनेजर, ठीक है। ये जो उसकी एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन है ये आपने वर्डिंग में आपने रीराइट कर लेनी है, ठीक है। कि फाइनेंस मैनेजर, आप दोनों को मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो के गोल्स को डायरेक्टली अकॉम्प्लिश करते हैं। और लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो के किसी भी वर्किंग टीम को लीड कर रहे होते हैं और उन्होंने बेसिक गोल्स को अकॉम्प्लिश करना होता है, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से, हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको असाइन किए जाते हैं। तो इस तरह इन दोनों चीज़ों को आपने अपनी वर्डिंग में करके रीराइट करके इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी एक की जस्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर शो कर देता हूँ, जैसा कि ये वाला है। लाइन मैनेजर्स हैव डायरेक्टली Responsible for achieving the organization goals, कि उनकी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करते हैं। उसके जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स हैव डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। वो सबऑर्डिनेट्स, लाइन मैनेजर्स मैंने आपको बताया था कि वो सबऑर्डिनेट्स से वर्किंग करवाते हैं, तो ये भी है जो वो सबऑर्डिनेट्स से वर्किंग करवाते हैं और इस तरह से अपनी वर्किंग को कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से आपने इन सब की जस्टिफिकेशन लिख के इसको कंप्लीट आउट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके इसकी सोल्यूशन फाइल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।